इधर पिछले 3 माह पूर्व हजारीबाग के मुसफ्फिल थाना अंतर्गत लाखे मजार समीप अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी थी और मृतक की पहचान चतरा जिले के पत्थलगढ़ा निवासी परशुराम के रूप में हुई थी, जो विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के नर्सिंग होम संचालक का काम करता था। इस हत्या की घटना को लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी थी और विगत कुछ दिन पूर्व घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और अन्य अपराधियों की तलाश जारी थी। आज हजारीबाग पुलिस ने फिर से कार्रवाई करते हुए इसी मामले से संबंधित 4 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला पूरी तरीके से ब्लाइंड था और पुलिस कड़ी मशक्कत करते हुए सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और आगे उन्होंने बताया है कि मामले में संबंधित मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। कई अपराधियों पर पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। 6 अगस्त को ये लाखे में एक लक्ष्मी नर्सिंग होम के संचालक जो विष्णुगढ़ के रहने विष्णुगढ़ में था उनका नर्सिंग होम परशुराम प्रसाद, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व में हम लोग 2 आदमी को जेल ऑलरेडी भेज चुके थे, एक उमेश कुमार पांडे और दूसरा को भी हम लोग बरामद कर लिए हैं तथा अभी उसमें बाकी जो बचे हुए अपराधी थे आज सबको गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। एक विक्की पासवान था, विक्की पासवान है जो रहने वाला टंडवा जिला चतरा का है। दूसरा उमेश साहू है जो बड़का गांव थाना हजारीबाग का है। तीसरा ओम प्रकाश गुप्ता है जो इटखोरी जिला चतरा का रहने वाला है। और चौथा संजय साहू जो बड़का गांव हजारी